दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि अगर छोटा बकरी का बच्चा दस्त ग्रस्त हो जाए, यानी उसे डायरिया हो जाए, लूज मोशन हो जाए, तो हमें क्या करना चाहिए। छोटे बच्चे के लूज मोशन को दूर करने के लिए आपको कुछ विशेष दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उन विशेष दवाओं में एक प्रकार की सीरप आती है जिसका नाम है ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल। अगर ओफ्लोक्सासिन और निडाजोल की कोई सी भी सीरप आप मार्केट से लेके आ जाए और वो अगर देते हैं तो श्योरली आप ठीक कर लेंगे बकरी के बच्चों में जो दस्त हो रही है। तो मैं लिख देता हूं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये जो सिरप है वो आपको लानी है, यानी सिरप मतलब पेट में देने की दवा है ये, और ये दवा वजन के हिसाब से दी जाती है। तो उसमें क्या क्या साल्ट है, वो होता है ओफ्लोक्सासिन और ओर्निडाजोल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, और ये कॉम्बिनेशन वाली सिरप अगर आप दे देते हैं तो मात्र दो दिन में ही बच्चे की कितनी भी गंभीर जो दस्त है उसको आप ठीक कर सकते हैं। और देनी कितनी है, 1 ml आपको 1 ml देनी है, और वो अगर 5 किलो का है तो उसे 1 ml दीजिए आप BT, यानी 5 किलो का है उसे दिन में 2 बार आप 1 ml दीजिए, तो ये समस्या बिल्कुल मिट जाएगी, यानी बकरी के बच्चे की दस्त जो है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आप उसे हिला करके देख लेना कि कहीं दोनों तरफ पानी तो नहीं बोल रहा है। अगर पानी बोल रहा है और दस्त हो रही है तो उसके लिए आप वेट करें, एक दिन दस्त हो जाएगी तो अच्छा रहेगा, उसका पेट साफ हो जाएगा, वो दस्त फायदेमंद होती है। तो आप पानी बुला करके देख लेना दोनों तरफ से हिला करके, पानी बोल रहा है दस्त हो रही है तो एक दिन होने दें, दूसरे दिन दवा दे दें, और अगर पानी नहीं बोल रहा है दस्त हो रही तो तुरंत आप दवा दे करके और उसे ठीक कर सकते हैं, उसकी जान को बचा सकते हैं।